हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति गांगुलिया। जैसा अभी हमको सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, एक तो हमें सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते और दूसरा बच्चों की भूख, हर थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा भूख लगी, मम्मा बोर हो रहे, मम्मा भूख लगी, तो उनकी छोटी छोटी भूख को शांत करने के लिए आज मैं कुछ स्पेशल लेके आई हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और इसके साथ साथ इसमें पूरे सारे न्यूट्रिशियस मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम से भरपूर ये हेल्थ के लिए एकदम बहुत ही अच्छा स्नैक है जो उनकी छोटी भूख को शांत करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसका बैटर बनाना होगा। बैटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम पहले नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए वन बिग बाउल ऑफ होल व्हीट फ्लोर। इसे हम मैदा से भी बना सकते हैं और व्हीट फ्लोर से भी बना सकते हैं। व्हीट थोड़ा हेल्दी होता है इसलिए मैंने व्हीट फ्लोर लिया है। तो व्हीट फ्लोर, हाफ कप ऑफ शुगर, वन फुल कप ऑफ मिल्क, एंड दिस इज बेकिंग पाउडर, दिस इज घी, दिस इज नमक एंड वाटर इफ यू रिक्वायर्ड। चलिए अब हम इसका बैटर बनाते हैं। बैटर के लिए हम सबसे पहले इसमें गेहूं का आटा जो हमने लिया है, वो आप मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। शुगर, पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। नमक एंड वन हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड वन स्पून ऑफ घी। मिक्स ऑल वेरी वेल। नाउ एड मिल्क एंड वाटर इफ यू रिक्वायर, देन एड वाटर, अदरवाइज नो नीड ऑफ वाटर। या इफ रिक्वायर्स वाटर देन वी लिटिल लिटिल वाटर। देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जैसे स्पून में ले तो स्लोली स्लोली करके वो बैटर गिरे। अब हम इसमें थोड़ा सा तिल ऐड करेंगे। तिल जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा लुक वाइज एंड हेल्दी भी होता है। अब हम गैस का स्टोव स्टार्ट करेंगे और लो फ्लेम पे इस कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसमें ज़रा सा घी लगा के एंड कढ़ाई को हम टिश्यू पेपर से वाइप कर लेंगे एंड जो भी घी है वो निकल जाए सारा। एंड इसे हम लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे 2 मिनट के लिए। जैसे ही गर्म हो जाए हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और दोबारा टिश्यू पेपर से इसको वाइप करके अब हम इसमें छोटी छोटी पैनकेक्स टाइप ब्रेड के लिए, सैंडविचेस के लिए ब्रेड निकालेंगे। एक राउंड स्पून लेकर के 1 स्पून डिप करना है, दैट्स ऑल। जब हमने इसको सैंडविच ब्रेड बनाने के लिए सैंडविच टाइप में इसको फैलाया तो उसके चारों तरफ हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको 1 सेकेंड के लिए होने देंगे। जब हम जस्ट मिनट के लिए अगर ये हुआ, हम इसको साथ में ऐसे ही रखेंगे एंड चेक करते जाएंगे। फर्स्ट अब हम इसको पलट देंगे। एंड पलट के इसको हम 2 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स होंगे वो इनकी टॉपिंग्स और इनको फिलिंग करने के लिए होंगे। इसके लिए हमें मैंने यहाँ पे 2 फ्लेवर लिए हैं, स्वीट एंड नमकीन। स्वीट के लिए हमें चाहिएगा मैंगो छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया हुआ, बनाना स्लाइस्ड में, एंड रबड़ी अगर अवेलेबल हो, इट्स अ ऑप्शन, मेरे पास अवेलेबल है इसको, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ आलमंड चॉप करे हुए, फाइनली चॉप करे हुए, हनी एंड जैम। ये हमारे स्वीट के लिए पोर्शंस है। अब हमारे जो नमकीन के पोर्शंस है वो ऑनियन इन स्लाइस्ड, कट इन स्लाइस, टमाटो कट इन स्लाइस एंड कैबेज, इट्स अ स्प्रिंकल्ड, इट्स अ लेयर टाइप कटेड, एंड चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर एंड कोरियन ग्रीन चटनी एंड टमाटो सॉस एंड ऑरिगेनो एंड पीनट बटर।
सारी पैनकेक्स जिसके हम सैंडविचेस बनाएंगे वो रेडी है। अब हम इनको पहले हम सॉल्टी जो नमकीन है उनको सर्व करेंगे। एक पे हम पीनट बटर स्प्रेड करेंगे। पीनट बटर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और दूसरे पे हम ग्रीन चटनी टमाटो सॉस स्प्रिंकल करेंगे स्प्रेड करेंगे। अब हम इस पे टमाटो ऑनियन ऑप्शन है, जो ऑनियन नहीं खाता वो अवॉइड भी कर सकता है। एंड कोई और वेजिटेबल भी हम जैसे कैरेट के सीजन में हम कैरेट कैप्सिकम इनको भी यूज कर सकते हैं। हम इस पे नमक स्प्रेड करेंगे लिटिल बिट एंड लिटिल बिट ऑरिगेनो। ऑरिगेनो एक अच्छा फ्लेवर देता है, बच्चों को बहुत पसंद है आज के टाइम में ऑरिगेनो, उनका फेवरेट हो गया है। एंड धनिया पत्ती। तो ये हमारा जो नमकीन सैंडविच है वो रेडी है। बच्चे लोग इनको बहुत अच्छे से मज़े से खाते हैं। हम इनको बच्चों को पीसेस में कट करके भी दे सकते हैं ताकि बच्चों को खाने में इजी हो। जो हमने इसको कट कर दिया ताकि बच्चे अच्छे से खा पाए। अब हम इस पे पीनट बटर को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली क्या होता है गार्निश किया हुआ फूड बहुत पसंद आता है। तो हम इस पे इसको कोई भी शेप से, अगर आपके पास टूल्स होते हैं तो आप इनको फ्लावर या कोई भी शेप से इसको गार्निश कर सकते हैं। देखिए ये हमारा नमकीन फ्लेवर तैयार है। अब हम इसी का स्वीट फ्लेवर रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने प्लेट में दो पैनकेक्स लिए हैं, दो सैंडविच जो ब्रेड हम पैनकेक बोल दो ब्रेड बोल दो, जिस पे हम एक पे पहले हम जैम स्प्रेड करेंगे। और दूसरे पे हम चॉकलेट सॉस स्प्रेड करेंगे। चॉकलेट सॉस बच्चों को बहुत पसंद होती है। एंड सम मैंगोस स्मॉल पीसेस में कट हुए, बनाना जो कि स्लाइस्ड में कट है। एंड ये रबड़ी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ करो, अदरवाइज अगर हो तो यूज़ करो, अदरवाइज ऑप्शनल है। चॉप एलमंड से गार्निश करेंगे। कोई बच्चे हनी पसंद करते हैं, कोई पसंद नहीं करते हैं, तो ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो यूज़ कीजिए। अब हम इसको जैम से डेकोरेट कर देंगे। एंड दूसरे को हम चॉकलेट सॉस से। तो हमारी स्वीट पैनकेक्स भी देखिए कितने सुंदर डेकोरेट हुए हैं। एंड ये हमारे सॉल्टी। तो आज के हमारी डिशेस बच्चों को बहुत पसंद आएगी, इसको मज़े से बच्चे कट करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना हॉलीडे टाइम पीरियड, लॉकडाउन टाइम पीरियड। थैंक यू सो मच।